नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए एक खुशखबरी, हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे GOVPVT यूट्यूब चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बोधगया के तिब्बती मठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तिब्बती मठ बोधगया पर्यटन में सबसे बड़े आकर्षण में से एक है। यह बोधगया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है और इसमें बड़ी संख्या में प्राचीन बौद्ध धर्मग्रंथ और दस्तावेज मौजूद है। मंदिर को सजाने वाली बुद्ध की एक मूर्ति है। बोधगया में तिब्बती मठ का एक अन्य आकर्षण 10 मीटर ऊंची धातु का ड्रम है, जिसे सुनहरे और लाल रंग में रंगा गया है। इस वस्तु को धर्मचक्र के रूप में जाना जाता है। पटना पहुंचे जेपी नड्डा का अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पदभार संभालने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 11 जिलों में बने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही सभी नेताओं का आवंटन भी किया। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 30 जिलों में भाजपा के अपने दफ्तर को बनवाने का ऐलान भी किया। एम्स पटना ने सीनियर रेजिडेंट पद के लिए निकाली रिक्तियां। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने सीनियर रेजिडेंट के 4 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MBBS या माइक्रोबायोलॉजी में MD की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार aiims.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। दरोगा अभ्यर्थी अब राजनीति के रंग में रंगे। बिहार के सभी दरोगा अभ्यर्थी ने बिहार की राजनीतिक चलन को अपनाया है, जिसके तहत बिहार में दोबारा परीक्षा के आयोजन के मांग को लेकर सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर के माध्यम से इन सभी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी चुप्पी तोड़ने को कहा है। BPSC ने किया अपना परीक्षा कैलेंडर जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत BPSC के संयुक्त सचिव सर परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए यह बताया है कि इस परीक्षा में कुल मिलाकर 11 परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसमें से 8 के अंतिम रिजल्ट की घोषणा इस साल होने की संभावनाएं हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे राजकमल झा की। बिहार के भागलपुर जिले में जन्मे राजकमल झा का परिवेश कलकत्ता में हुआ था। राज वर्तमान समय में इंडियन एक्सप्रेस के साथ चीफ एडिटर हैं। जब भी पत्रकारिता का नाम होता है तब राजकमल झा का नाम जरूर सुनने में आता है। 1996 के बाद से ही इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए राजकमल झा ने अब तक कई सारी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें द सिटी एंड द सी, शी विल बिल्ड हिम अ सिटी जैसे तमाम नॉवल के नाम शामिल है। BPSC की 64वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा अप्रैल में। 64वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा इस साल अप्रैल में होने की संभावनाएं जताई गई है। वहीं परीक्षा के बाद साक्षात्कार मई में और फाइनल रिजल्ट जुलाई 2020 में जारी करने की बात कही गई है। वहीं 65वीं संयुक्त परीक्षा की बात करें तो इसका रिजल्ट मार्च महीने में आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में 9000 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में 9000 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग के आग्रह के बाद राजभवन ने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सभी कुलपतियों को भी रिक्तियों की सूची शिक्षा विभाग को मुहैया करवाने का आदेश जारी किया गया है। मनोज झा ने प्रशांत किशोर को लेकर दिया बड़ा बयान। RJD नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने हाल ही में प्रशांत किशोर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का बड़े ही तंज भरे अंदाज में जवाब दिया है। दरअसल हिंदुस्तान शिखर सामगम ने हाल ही में उनसे पूछा गया था कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ टीवी के स्टूडियो में ही एक बड़ा चेहरा है, वास्तविकता में नहीं। CTET 2020 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी। अगर आप भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के शिक्षकों के लिए CTET का आवेदन भरना चाह रहे थे और किसी कारणवश नहीं भर पाए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने CTET 2020 के लिए आवेदन भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 24 फरवरी से 2 मार्च कर दिया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन परीक्षा। सभी युवाओं के लिए अहम सूचना। लाइसेंस बनवाने के लिए आम नागरिकों को परिवहन विभाग के परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को यातायात नियमों की जानकारी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बैंक से आप मदद ले सकते हैं। 27 फरवरी तक चलने वाले पुलिस सप्ताह का हुआ उद्घाटन। बिहार में 27 फरवरी तक चलने वाले पुलिस सप्ताह का उद्घाटन बीते शनिवार को किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव दीपक कुमार ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस सप्ताह के दौरान सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, साथ ही साथ अपने से छोटे अधिकारियों के साथ भी सद्भावना के साथ चलने का आदेश दिया है।
दादा साहेब फाल्के अवार्ड में ऋतिक को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड को पाना हर एक्टर एक्ट्रेस का सपना होता है। वहीं इस साल आयोजित हुए इस अवार्ड फंक्शन में बिहार के सुपर 30 कोचिंग संस्थान पर बने सुपर 30 फिल्म पर आनंद कुमार का किरदार निभाने वाले ऋतिक रोशन को उनके अभिनय के लिए दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन की तरफ से नवाजा गया है। 17 जिलों में पान की खेती के लिए सरकार देगी अनुदान। पान की खेती कर रहे सभी किसानों के लिए सरकार नई सौगात लेकर आई है। सरकार के कृषि विभाग ने मगही पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत नवादा, नालंदा, गया और मधुबनी जिलों के अलावा अन्य 13 जिलों में पान शेडनेट की योजना चलाई जाएगी। सरकार के इस पहल के बाद 15 जिलों में लगभग 50,000 वर्ग मीटर में मगही पान की खेती की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने की बताई नई तरकीब। विकासशील देश में किसानों की आमदनी समस्या का कारण बनी हुई है, जिसमें सुधार के लिए सरकारें कोशिशें करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किसानों की आय बढ़ाने पर सोच विचार किया है, जिसके तहत नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को औद्योगिकी प्रोत्साहन नीति में समीक्षा करने का आदेश जारी किया है। आशिकी फेम राहुल रॉय की फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही है पटना में। 1990 में आशिकी फिल्म से सुर्खियों में आए राहुल रॉय एक बार फिर पर्दे पर नजर आने वाले हैं, जिसके तहत उनकी अपकमिंग फिल्म अनोखी जल्द ही पर्दे पर आ रही है। इतना ही नहीं, राहुल इस फिल्म की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में पटना भी आए हुए हैं। आपको बता दें, राहुल की इस फिल्म की रिकॉर्डिंग गुलजारबाग स्टेडियम के पीछे बने चर्च में हो रही है। इस बार पटना से शुरू होने जा रहा है रेल सप्ताह। आमतौर पर दिल्ली से शुरू होने वाले रेल सप्ताह का आयोजन इस साल बिहार से किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जल्द पटना पहुंचने वाले हैं। खबरों की माने तो आगामी 12 अप्रैल को रेलवे के स्थापना दिवस पर रेल सप्ताह की शुरुआत होने वाली है, जहां कई रेल कर्मियों को उनके कामों के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। जदयू करेगी अब चुनाव का आगाज। राजद के स्लोगन की झड़ी के बाद अब जदयू भी अपने नए स्लोगन के साथ चुनाव का आगाज करने जा रही है, जिसके तहत जदयू ही सच्चा है और अच्छा है चलो नीतीश के साथ स्लोगन के साथ 15 मार्च से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विपक्षी दलों के लिए चुटकी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी की लिट्टी चोखा वाली तस्वीर पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत पूर्णिया में उन्होंने कहा है कि लिट्टी चोखा प्रधानमंत्री मोदी खा रहे हैं और पेट खराब विपक्षी दलों का होने लगा है। लिट्टी तो अच्छी होती है, मगर विपक्षियों को पच क्यों नहीं रही, ये समझ नहीं आ रहा। तो अब चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे से ही मगर लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ कुछ जगहों पर बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 51,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.47 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.17 रुपए प्रति लीटर था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच में देखने को मिली पति पत्नी की अनोखी शर्त। विमेन टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की खिलाड़ियों ने जीत के साथ इस चैंपियनशिप का आगाज किया है। वहीं मैच के दौरान ऑडियंस में बैठे दो दंपतियों की भी अनोखी झलक देखने को मिली। पत्नी के पोस्टर में यह लिखा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीती तो पति बर्तन धोएंगे और अगर इंडिया जीती तो वो बर्तन धोएंगी। दोनों दंपतियों के अनोखे पोस्टर को ICC ने भी अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। गूगल सर्च के जरिए अब आपके प्राइवेट ग्रुप में कोई भी कर रहा है ज्वाइन। सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अहम सूचना की एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल अब व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स का इंडेक्स कर रहा है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति गूगल सर्च के जरिए इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले रहा है। हालांकि गूगल फिलहाल इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। पटना जू में अब मिलेगा फ्री वाईफाई की सुविधा। पटना जू में घूमने आए सभी पर्यटकों को अप्रैल महीने से मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलने जा रही है, जिसकी स्पीड 124 Mbps होगी। अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो ये अब तक का सबसे सर्वाधिक स्पीड माना जाएगा। पटना जू जाने वाले अगर 100 लोग भी वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो 10 Mbps की स्पीड सबको मिलेगी। बिहार के नेता पहुंचे पाकिस्तान। पटना साहिब से सांसद रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा को छोड़ कांग्रेस का हाथ तो थामी चुके हैं, अब हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं। दरअसल बीते दिन शत्रुघ्न सिन्हा लाहौर में एक शादी समारोह में गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। एक शख्स ने लिखा है कि हर बार चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता को पाकिस्तान क्यों जाना पड़ता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें वंदना राज, अतिकुर रहमान,
प्रवीण कुमार, शीतल कुमारी, श्याम प्रसाद, अखिल कुमार, अंकुर कुमार, सुजीत कुमार, साहिक कुमार, जय यादव, शिवम चौबे। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार परीक्षा के दौरान नियोजित शिक्षकों का सड़क पर उतरना कितना सही है, कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।